कन्नौज में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई और ट्रक धू धू करके चलने लगा, जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। आग से एक व्यक्ति के झुलसने की बात भी सामने आ रही है। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर नॉर्मल रोड पर एक खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही धू धू करके विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं तेज होती हुई आग की लपटों को देखकर वहां हड़कंप सा मच गया। आग लगी थी, आग पहले को हो रही थी, अब पता नहीं कहाँ तक गाड़ी गिर गई। कोई इसमें घायल है? एक आदमी घायल है। क्या नाम है? पंकज सिंह। कहाँ पर हादसा हुआ, किस समय हादसा हुआ था? 4 बजे का। कहाँ पर हादसा हुआ? ये नार्मल रोड। मौके पर कितनी देर में फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची थी और क्या आप फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया? करीब आधा घंटा बाद। इस समय आग लगी थी, क्या मंजर था? भागा था। तरफ हमने अपनी जान बचा के भागने लगे, कोई किधर को भागा, जो आदमी घायल था उसको लेके एकदम भागने लगे। तो गाड़ी के नीचे गैराज के संचालक का नाम क्या? मालिक का क्या नाम है, किसका गैराज है? जितेंद्र शर्मा। वो यहाँ रहते हैं खुद गैराज पर? नाम है, किस पद पर तैनात हैं, क्या मामला हुआ? हमारा नाम है लीडिंग फायरमैन राम बाबू जी। किस तरह की सूचना आपको प्राप्त हुई थी? हमें सूचना प्राप्त, जैसे सूचना मिली कैसे मैं लेके तुरंत घटना स्थल पे आया और देखा कि ट्रक जल रहा, तुरंत हॉज पाइप फैला करके आग हो जाए। जब आग काबू नहीं हुई तो मैं फोम चलाया, फोम से द्वारा आग को कंट्रोल किया और आग अभी बुझ रही है। सर कहाँ का मामला है, किस जगह? ये कौन सी जगह है? ये सुभाष नगर का ये है, ये गैराज है, ये बिल्डिंग करते हुए ये बता रहे हैं। क्या नाम बताया? सुरेश शर्मा ने बताया कि बिल्डिंग का। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन